हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हमने CGABEO एग्जाम के पेपर टू के लिए हमने अब तक क्या देखा है, तो हमने मुदलियार कमीशन देख लिया, हमने कोठारी कमीशन देख लिया, साथ में हमने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम क्या देखने वाले, तो हम भारत देश की पहली शिक्षा नीति, जिसे हम बोलते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को हम देखने जा रहे हैं, 1968 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। यदि आपने नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर्स जितने हुए हैं, साथ में MCQ प्रैक्टिस टेस्ट भी करवाए जाते हैं, तो ABEO नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा करके आप ये सभी वीडियोस को देख सकते हैं। साथ में यदि आप चैनल में न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमें देखना क्या है, तो आज हमें नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 देखना है। बात ये आती है, ये हमारे सिलेबस में मेंशन कहाँ पे है, तो ये हमारे सिलेबस के यूनिट 4 में दिया हुआ है, इकाई 4 में दिया हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 के बारे में हमें क्या जानना है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द थर्ड फाइव ईयर प्लान अ नीड वॉज फेल्ट टू होल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द कंट्री। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में देश की शिक्षा प्रणाली की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस हुई। उससे पहले आयोग तो आए अस्तित्व में, लेकिन ये नहीं किया गया कि किसी भी प्रकार का क्या बना दिया जाए, शिक्षा नीति बना दी जाए। ठीक है, लेकिन तीसरे पंचवर्षीय योजना के अंत में, याद रखना इसको, है ना, तीसरे पंचवर्षीय योजना के अंत में ऐसा सोचा गया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हमें बनाना चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में, तो एजुकेशनल पॉलिसी के रेस्पेक्ट में, एजुकेशनल सिस्टम के रेस्पेक्ट में। और क्या बताया जा रहा है, ऑन द एजुकेशन कमीशन। ये एजुकेशन कमीशन किसे बोला जाता है, जो कि 1964-66 में आया था, तो कोठारी कमीशन को, किसको, कोठारी आयोग को ही क्या बोला जाता है, तो शिक्षा आयोग बोला जाता है। अब ये बताइए, माध्यमिक शिक्षा आयोग किसे कहा जाता है, हमने पढ़ा है, बताइए, आउट यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन बताइए, माध्यमिक शिक्षा आयोग किसे कहा जाता है, तो म से माध्यमिक म से मुदलियार, यानी कि मुदलियार कमीशन, मुदलियार आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहा जाता है, याद रहेगा आप लोगों को। आइए हम क्या देख रहे हैं, उसे देखते हैं। तो द एजुकेशन कमीशन, वो यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, वॉज अपॉइंटेड टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑन द नेशनल पैटर्न ऑफ द एजुकेशन एंड ऑन द जनरल प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एट ऑल स्टेज इन ऑल एस्पेक्ट्स। क्या हमने ये बात को पढ़ा है क्या, कि कोठारी कमीशन को क्यों लाया गया था, कि हमें शिक्षा पर हमें क्या है, राष्ट्रीय पैटर्न, नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन, आप हमें क्या करो, एडवाइस करो कि एजुकेशन का नेशनल पैटर्न क्या होना चाहिए, जनरल प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज क्या होनी चाहिए एजुकेशन के डेवलपमेंट में, और वो भी ऐसा डेवलपमेंट हो जो कि ऑल स्टेज में होना चाहिए और ऑल एस्पेक्ट्स में होना चाहिए। क्या लिखा है, देखिए, कि शिक्षा आयोग जो कि 1964-66 में आई, को शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न पर सभी स्तरों पर, कहाँ पे, सभी स्तरों पर, याद रखेंगे आप लोग, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी स्तरों पर सभी पहलुओं में शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों और नीतियों पर सरकार को सलाह देने के लिए नियुक्तियां किया गया था। क्या हमने ये नहीं पढ़ा है क्या, कोठारी आयोग, जब हमने पढ़ा है तो, हमने तो बिल्कुल पढ़ा है, क्या हमने पढ़ा है, अच्छा बताइए, कि कोठारी कमीशन को अपॉइंट किया गया कि आप हमें नेशनल पैटर्न क्या होना चाहिए एजुकेशन का, उसको बताइए, तो और साथ में क्या है, आप नेशनल डेवलपमेंट की बात बताइए कि किस तरीके से हम कर सकते हैं एजुकेशन, नेशनल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है एजुकेशन में डेवलपमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन की भी बात तो इन्होंने कही थी, इन्होंने नेशनल रिस्ट्रक्चरिंग की भी तो बात की है, राष्ट्रीय पुनर्गठन की बात की गई शिक्षा के माध्यम से। देखते हैं क्या है और इसमें हमें और क्या जानना है, उसे हम देखते हैं, ठीक है।
आज आइए द रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन कमीशन वॉज वाइडली डिस्कस्ड एंड कमेंटेड अपॉन। अब ये बताइए इनकी, इन्होंने जब रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इनकी रिपोर्ट की व्यापक रूप से चर्चा हुई थी क्या? हाँ बिल्कुल हुई थी। टिप्पणी हुई थी क्या? हाँ हुई थी। तभी तो बताया गया कि इस तरीके से ये सब कमियाँ इस आयोग में ये निकल के आया। ठीक है, टिप्पणी हुई, चर्चा हुई, क्यों? क्योंकि आयोग ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया। रिजल्ट निकल के क्या आया? इतनी चर्चा तो हुई, रिजल्ट भी तो होना चाहिए, डिस्कशन हुआ है, रिजल्ट क्या निकल के आया? तो रिजल्ट ये आया, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के रूप में यह चर्चा का परिणाम निकला। आम सहमति इन चर्चाओं के दौरान शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के रूप में सामने आई। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम क्या देख रहे हैं बताइए? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 देख रहे हैं क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, हाँ बिल्कुल देख रहे हैं। इससे पहले कौन सा आयोग आया? तो इसके पहले आया था कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन आया। कब आया? तो 1964-66 में इन्होंने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की। जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उस पर क्या हुआ? डिस्कशंस हुए और क्या हुआ, पूरे कमेंट्स आए कि अच्छा इस तरीके से हमको उन्होंने जो कुछ भी बताया कि हमें इस तरीके से कार्य करना चाहिए, तो उसी बात पर विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श करने पर परिणाम ये निकला कि हमारे देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली और यह हमारे देश की पहली शिक्षा नीति के रूप में उभर करके सामने आई। ठीक है, अ जनरल कंसेंसस ऑन द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इमर्ज इन द कोर्स ऑफ दीज डिस्कशंस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आइए देखिए आगे क्या बताया गया। अकॉर्डिंगली द रेजोल्यूशन of national policy on education was presented in the parliament on 24 July 1968। क्या आया? तदनुसार शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति पर अध्यादेश 24 जुलाई 1968 को संसद में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, संसद में प्रस्तुत किया गया क्या? तो शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति पर अध्यादेश, यदि एग्जाम में आएगा कि शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति पर अध्यादेश संसद के समक्ष कब प्रस्तुत किया गया, तो आपका आंसर क्या बनेगा? 24 जुलाई 1968 को। कब? 24 जुलाई 1968 को राष्ट्रीय शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति पर अध्यादेश संसद में प्रस्तुत किया गया था। अ रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वॉज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन 24 जुलाई 1968। ठीक है, 1968। अब जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था, ये कोठारी आयोग एकदम संवैधानिक रूप से ही इसका गठन किया गया था। तो अब आगे इन्होंने जो बताया है, क्या बताया है कि हमें किस तरीके से पूरे राष्ट्रीय पैटर्न पर हमें शिक्षा को लाना चाहिए, हमें सभी पहलुओं को, हम कैसे शिक्षा के सभी पहलुओं को टच कर सकते हैं, हम उस पर कैसे विकास कर सकते हैं, तो ये सभी बातें इन्होंने बताई है। तो उसी का परिणाम ये क्या निकल के आया है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। द फर्स्ट एवर एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया वॉज फॉर्मुलेट वॉज द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 1968, जो कि मैंने बार बार अभी आपको ये बोला है कि हमारे देश की पहली शिक्षा नीति कौन सी है, तो 1968 की शिक्षा नीति है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बात आती है, बात आती है इसमें कि नीड एंड गोल्स क्या है, इसमें आवश्यकता क्या है और गोल्स लक्ष्य क्या है 1968 की शिक्षा नीति के, तो आइए जानते हैं हम। तो 1968 को देश भर में शैक्षिक अवसरों को समान बनाने के लिए तैयार किया गया था। शैक्षिक अवसर NPE 1968 was framed to equalize education opportunities across the country। क्यों? क्योंकि पाया गया कि उस समय जो है समानता नहीं थी, शिक्षा में समानता नहीं थी, एकदम व्यापक रूप से असमानताएं फैली हुई थी। तो इन्होंने क्या बोला कि हमको क्या करना है, हमको इक्वलाइज करना है क्या, तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। याद रहेगा आप लोगों को ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने जब इंट्रोडक्शन आपको बताया, आई होप आप सभी ने देखा हो, तो जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया है आपको, तो मैंने आपको ये बात बताई थी वहाँ पे। ठीक है, तो शैक्षिक अवसरों को समान बनाने के लिए इसे तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना है जो शिक्षा पर अप्रतिबंधित पहुंच प्रदान कर सके। इट एम्ड एट क्रिएटिंग एजुकेशन सिस्टम दैट कैन प्रोवाइड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एजुकेशन। अनरेस्ट्रिक्टेड, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, सभी को समान अवसर मिलेगा शिक्षा का, सभी को समान अवसर मिलेगा शिक्षा का।
ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बताया जा रहा है इसमें, आगे ये बताया जा रहा है कि यह नीति राष्ट्रीय एकता के लिए मूल्यों के विकास पर केंद्रित थी। किस पर केंद्रित थी? वैल्यूज। दिस पॉलिसी फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता, क्यों राष्ट्रीय एकता इसने बोला? इसने राष्ट्रीय एकता बोला क्योंकि कोठारी आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उस पर ये बेस्ड है। इसीलिए इसमें जो भी पॉइंट है इस शिक्षा नीति के, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कोठारी आयोग ने जो जो बताया है 1968 की शिक्षा नीति ने उन सभी बिंदुओं को अपने में समाया हुआ है। इसीलिए कोठारी आयोग ने अक्सर क्या बोली थी, तो राष्ट्रीय एकता की बात की थी। इसीलिए इस नीति ने भी राष्ट्रीय एकता की बात की, ठीक है, क्योंकि इसने देश के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए शिक्षा की शक्ति को स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? पावर ऑफ एजुकेशन। पावर ऑफ एजुकेशन इन व्हाट? पावर ऑफ एजुकेशन इन फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। यानी कि शिक्षा के बिना ना तो आप आर्थिक रूप से विकास कर सकते हो और ना ही आप सांस्कृतिक रूप से अपना विकास कर सकते हो, क्योंकि आर्थिक रूप से विकास करने के लिए, इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए, वहाँ पर भी आपको इस शिक्षा की आवश्यकता है। पढ़े लिखे व्यक्ति जब होंगे, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छी पोस्ट पाएंगे। अब आप पढ़े हैं तो आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? आप देखिए, आप एबीओ एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा है तो क्या वो भी एबीओ के लिए प्रिपेयर कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है? इट मींस व्हाट, यानी कि शिक्षा का बहुत असर पड़ता है शिक्षा आर्थिक विकास में। फिर उसके बाद कल्चरल, जो सांस्कृतिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास बहुत ही इजी एग्जांपल से समझो, बहुत ही इजी एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हो कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें, जब हम पढ़ते हैं, जब हम स्कूल डेज में पढ़ा हमने, जब हम स्कूल्स में पढ़े, फिर जब हम कॉलेज में पढ़े, हमने का बहुत कुछ सीखा। क्या संस्कृति है भारत की, क्या संस्कृति, ठीक है, हमने जो सीखा तो सो सीखा। अभी आप किसके लिए पढ़ रहे हो? आप लोग सीजी व्यापम सीजीपीएससी, ठीक है, इसके लिए आप लोग डेफिनेटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसमें क्या आप ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हो, जनजातियों के बारे में पढ़ते हो, जनजातियों की संस्कृति के बारे में, उनके कल्चर्स के बारे में पढ़ रहे हो? जब आप छत्तीसगढ़ के रेस्पेक्ट में पढ़े तो भी आपने पढ़ा, जब आपने इंडिया के बारे में पढ़ा, इंडिया कि जब आप लोग ओवरऑल सीजीपीएससी के लिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सीजी व्यापम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप अन्य किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तब भी आपको आपके सिलेबस में मेंशन है कल्चर। तो आपको समझ में आ रहा है, शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक रूप से भी विकास किया जाए। ये तो केवल एक एग्जाम्पल है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से वास्तविक रूप में सांस्कृतिक विकास होता है। इसी वजह से इसने नेशनल एनपीई 1968 ने क्या माना, एनपीई 1968 ने शिक्षा के महत्व को माना, शिक्षा की शक्ति को पहचाना, किस रूप में पहचाना, कि यह देश के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए यह एक बहुत बड़ी शक्ति है। क्या? तो शिक्षा की, ठीक है। ये बोलने के लिए बहुत कॉमन पॉइंट है, लेकिन एग्जामिनर बहुत कॉमन पॉइंट से भी क्वेश्चन बनाते हैं। आपको करना क्या है, आपको अपने से ही क्वेश्चन करना है, आपको कुछ करना नहीं है। आपसे कोई क्वेश्चन करे इससे पहले आप कुछ भी पढ़ें, चाहे आप पेपर वन के लिए पढ़ रहे हैं तो भी, चाहे आप पेपर टू के लिए पढ़ रहे हैं तो भी, आप जो कुछ भी पढ़े आप ये सोचिए इसमें से कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं। बस जब आपने ये सोच लिया ना, इसमें से एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं, यानी कि आपने तो खुद क्रिएट कर लिया है, एग्जामिनर तो बाद में करेगा, आपने तो पहले जान लिया है कि मैंने ये पढ़ा है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा तो मुझसे गलत नहीं होगा। आगे देखिए, की हाइलाइट्स क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या है इस नीति की, उसे हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं की हाइलाइट्स क्या है इसके, ठीक है। मुख्य विशेषताएं, तो फुलफिलमेंट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 45, फुलफिलमेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 45, आइए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार क्या है, 45 के अनुसार क्या बताया गया है, तो 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अब ये बताइए कि यदि हम आर्टिकल नंबर 45 की बात करें तो ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आते हैं, डीपीएसपी आते हैं। डीपीएसपी के अंतर्गत क्या आता है, डीपीएसपी के आर्टिकल 45 क्या बोलता है, चार देख करें, तो चार मतलब क्या है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, बिल्कुल।
अब ये बताइए हमने आरटी को कवर अप किया किया है कि नहीं? बिल्कुल किया। ये आरटी कितने से कितने साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान ये करती है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितने से किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को प्रोवाइड करती है आरटी? तो ये प्रोवाइड करती है 6 to 14 years। 6 to 14 years याद रहेगा क्या आप लोगों को? RTE क्या बोलती है? 6 to 14 years। आर्टिकल नंबर 45 क्या बोला? तो 14 वर्ष तक के। 6 लिखा है क्या? नहीं लिखा है, बिल्कुल आप लोग भूलेंगे नहीं इस बात को, ठीक है। NP aimed at fulfilling this directive principle, ठीक। फिर आगे देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। आगे ये बताया जा रहा है, इट ऑल्सो फोकस्ड ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स फॉर ऑल एनरोल स्टूडेंट्स। साथ में अब ये नीति है, शिक्षा नीति है। अब किसी भी प्रकार की नीति बनाई जाती है तो नीति बनाई जाती है क्या देख करके? इसके सफल समापन को देख करके। किसके? तो पाठ्यक्रम के सफल समापन को। शिक्षा की नीति है तो पाठ्यक्रम के सफल समापन को ध्यान दी है। समझ रहे हो क्या लिखा है कि सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स? किसका? तो एनरोल्ड स्टूडेंट्स का, नामांकित छात्रों का जिन्होंने नामांकन करवाया है अपना, ठीक है। फिर क्या लिखा है? इन दिस वे इट एम्ड एट एलिमिनेटिंग द बैरियर्स टू क्वालिटी एजुकेशन अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द नेशन। इस तरह इसका उद्देश्य देश के सभी हिस्सों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बाधाओं को दूर करना था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में जितने बाधक तत्व हैं हम उनको क्या करेंगे? हम उनको दूर करेंगे। हम जितने भी बैरियर्स हैं उनको एलिमिनेट करते हुए जाएंगे क्वालिटी एजुकेशन के रोड्स में जो आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया गया? तो इस नीति में देश भर के नागरिकों के लिए समान अवसर पैदा करने की दृष्टि थी। क्या थी? ये इसके की हाइलाइट्स है, मुख्य बिंदु है, आपको याद कर, आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्या है ये? क्या क्रिएट करना चाहती थी? तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहती थी। किस सोच से आगे बढ़ी? तो समानता, क्या हो कि अवसरों की समानता हो, अवसरों की समानता हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले पूरे राष्ट्र भर में। इसके अलावा और क्या? बिसाइड्स इट ऑल्सो हाईलाइट द नीड टू इम्प्रूव एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर द हैंडीकैप चिल्ड्रन, दिव्यांगों के लिए भी, दिव्यांग बच्चों के लिए भी इन्होंने शैक्षिक सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। जब ये जब बोल रहे हैं हमें क्या करना है, हमें इक्वलाइज कर देना है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को, शैक्षिक अवसरों में समानता आनी चाहिए, तो शैक्षिक अवसरों के समानता के संदर्भ में क्या दिव्यांग बच्चे शामिल नहीं है? क्या दिव्यांग बच्चे शामिल नहीं है? जब शैक्षिक अवसरों की समानता की बात की तो बिल्कुल की गई, तो इसने दिव्यांग बच्चों को भी ध्यान में रखा है अपने, ठीक है। किसने? तो शिक्षा नीति किसने? तो 1968 की शिक्षा नीति ने। फिर क्या बताया जा रहा है कि इट ऑल्सो फोकस्ड ऑन स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एरियाज, बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज। इसने ग्रामीण क्षेत्र, ऐसा है क्या कि केवल ऐसा करते हैं हम मेट्रो सिटीज के बच्चों को ना क्वालिटी एजुकेशन दे देते, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को तो रहने दो, तो ऐसा नहीं, क्यों रहने दो? तो क्या लिखा है देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, पिछड़े आदिवासी क्षेत्र के छात्रों को भी ध्यान दिया है इसने। इसने ना केवल ग्रामीण, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों पर ध्यान दिया बल्कि बालिकाओं की शिक्षा पर भी विशेष बल दिया है, बालिकाओं की शिक्षा, एंड गिव स्पेशल एम्फेसिस टू द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। इसने ग्रामीण अंचल में जो बच्चे रहते हैं, पिछड़े आदिवासी, रूरल, बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी शिक्षा की बात की। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा की बात की, किसने? तो 1968 की शिक्षा नीति ने। साथ में इन्हें दिव्यांगों के लिए भी इन्होंने बात की है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? तो इस नीति के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया था। थ्रू दिस पॉलिसी द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला वॉज इम्प्लीमेंटेड एज पर आर्टिकल 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लैंग्वेज की बात आती है तो 351 लैंग्वेज, ठीक है, भाषा, त्रिभाषा फॉर्मूला जो हमारे देश में, तो इसके माध्यम से आया। एंड दिस एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी अक्रॉस द कंट्री। परिणाम क्या निकला? इन्होंने त्रिभाषा की बात की है, इन्होंने त्रिभाषा की बात की तो पूरे देश में हिंदी के विकास को प्रोत्साहित किया है इस शिक्षा नीति ने, हिंदी को। अब याद करो क्यों हिंदी को इसने बोला है, क्योंकि कोठारी आयोग को हमने पढ़ा है,
उसने हिंदी की बात की थी, उसने त्रिभाषा की बात की थी, इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, ये अपने में ये एनपी 1968 किसके विचारों को आगे लेकर के बढ़ रही है, तो जो आयोग ने जैसा बताया ये वैसा ही तो बनाई गई है ये शिक्षा नीति, तो बस जो उसमें लिखा है वो इस ये इसमें हम पाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रहेगा क्या, त्रिभाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। ठीक है, आगे देखिए, इम्प्रूव्ड फैसिलिटी फॉर सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन, क्या बताया गया, माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं इसने प्रदान करने की कोशिश की है। देखते हैं क्या है, तो नीति ने माध्यमिक शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो इनसे वंचित थे। The policy acknowledged the need to increase facility for secondary education, especially in the areas that were denied of these. यानी कि हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता है, तो माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है, स्पेशली विशेषकर कहाँ, किन क्षेत्रों में, तो जहाँ पे ये है नहीं, जहाँ पे ये है नहीं। फिर क्या लिखा है, इट ऑल्सो फोकस्ड ऑन डेवलपिंग वोकेशनल एजुकेशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इसने रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया। आपको क्या याद करना है, दिव्यांगों की इन्होंने बात की है, इन्होंने बालिकाओं की बात की है, इन्होंने बालिकाओं की बात की है, इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा की बात की है, इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र एवं पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्र में जो बच्चे छात्र रह रहे हैं उनके विषय में इन्होंने बात की है। याद रहेगा आप लोगों को ये चीज। ठीक है, हम आगे देखें, आगे क्या बताया जा रहा है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, Under this policy, there was a special emphasis to improve the facility in the fields of agriculture, trade, medicine, arts, craft, commerce, home management, sectorial training. क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे इन्होंने facilities, जो different facilities हैं कहाँ कहाँ की, जैसे कि agriculture field, trade, medicine, arts, crafts, commerce, home management, सेक्रेटेरियल ट्रेनिंग की बात की। इस नीति के तहत कृषि, व्यापार, चिकित्सा, कला, शिल्प, वाणिज्य, गृह प्रबंधन, सचिवीय प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में सुविधाओं में सुधार पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा इसने नए विश्वविद्यालयों की स्थापना में भी ध्यान दिया। Besides, it also took care of establishing new universities. न्यू यूनिवर्सिटीज, इसने एग्रीकल्चर ये सब पे भी ध्यान दिया है। ठीक है, इसने याद रखना कृषि एक जो अलग एस्पेक्ट हो जाता है, तो आपको यह याद रखना, बाकी तो ठीक है, ये तो सभी ने दिया, एक कृषि के विषय में भी इन्होंने ध्यान दिया था। ठीक है, साथ में इन्होंने नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की भी बात की थी। मैं आपको बताती हूँ इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कि ये लिखा है ना एनपी 1968, आपको ना डिफरेंट पॉइंट्स दे दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको डिफरेंट पॉइंट्स दे दिया गया, क्या ये सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का था, क्या ये सुझाव इसका था, क्या इन निम्नलिखित में से कौन से हैं या निम्नलिखित में से कौन से नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है, जब हम अपना नोट्स बनाएं तो केवल हम कीवर्ड्स को लिखेंगे, जिसे हम अपने एग्जाम टाइम में क्या करें, उन कीवर्ड्स को देखें और बस उसको रिवाइज करके जाएं। हम पूरी स्टेटमेंट को लिखेंगे तो स्टेटमेंट तो हम समझ रहे हैं, हम तो यहाँ पे समझ रहे हैं, हमें लिखना क्या है, यदि हम अपना नोट्स बना रहे हैं तो हमें केवल कीवर्ड्स को लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बताया जा रहा है, विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा के लिए पत्राचार और अंशकालिक पाठ्यक्रम विकसित किए जाने थे, जैसे ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम कार्यक्रम जो नियमित कक्षा में शामिल नहीं हो सकने वाले छात्रों को पूरा करते हैं। फॉर हायर एजुकेशन एट द यूनिवर्सिटी स्टेज करस्पॉन्डेंस एंड पार्ट टाइम कोर्स वर टू बी डेवलप्ड सिमिलर टू द ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेस प्रोग्राम्स दैट कैटर टू स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अटेंड रेगुलर क्लासेस, जो रेगुलर अटेंड नहीं कर सकते कॉलेज में, जो रेगुलर अटेंड नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या कर दो, आप उनके लिए पार्ट टाइम कोर्स ला दो, आप उनके लिए पार्ट टाइम कोर्स ला दो। ठीक है, किसके जैसा, तो जैसे कि ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम होता है तो वैसा ला दो, क्यों, क्योंकि ये अपना जो है रेगुलर आकर के ये लोग अपनी कक्षाएं को पूर्ण नहीं कर सकते, तो जो रेगुलर नहीं आ सकते तो उनके लिए आप क्या करो, पार्ट टाइम कोर्स इंट्रोड्यूस करो। फिर उसके बाद प्रौढ़ शिक्षा की बात इस नीति ने कही है, प्रौढ़ शिक्षा की बात इसने क्या कही है, एडल्ट एजुकेशन, तो टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ एडल्ट लिटरेसी द पॉलिसी एम्ड एट प्रमोटिंग फंक्शनल लिटरेसी विद इन द मास,
प्रोसेस। व्यस्त साक्षरता की गति में तेजी लाने के लिए नीति का उद्देश्य जनता के भीतर कार्यात्मक साक्षरता को बढ़ावा देना था। कार्यात्मक साक्षरता आपको समझ रहा है, समझ में आ रहा है ये चीज क्या आ रहा है? फंक्शनल लिटरेसी की बात की गई है, फंक्शनल लिटरेसी कार्यात्मक साक्षरता की बात की गई है। इसीलिए कार्यात्मक साक्षरता फंक्शनल लिटरेसी एडल्ट एजुकेशन प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट लिटरेसी होनी चाहिए, व्यस्क साक्षरता आनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? इट टारगेटेड इम्पार्टिंग एजुकेशन टू द एम्प्लॉयज इन द इंडस्ट्रीज थ्रू लिटरेसी कैंपेन्स। इसने साक्षरता अभियानों के माध्यम से उद्योगों में कर्मचारियों को शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा। अब ऐसे समझिए, कैसे समझेंगे आप लोग? क्या है, बहुत सारे मैनुअल वर्क्स कर रहे हैं, यानी कि मेहनत का कार्य कर रहे हैं, उतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हम मेहनत कर लेंगे, ज्यादा शिक्षा तो उन्होंने प्राप्त नहीं की है, हम मेहनत कर लेंगे और अपना पेट पाल लेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनको भी ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा नीति ने क्या किया कि जैसे कि जो कर्मचारी होते हैं, जो उद्योगों में कार्य कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी हम क्या करेंगे, हम साक्षरता अभियान लाएंगे, हम क्या करेंगे, हम लिटरेसी कैंपेन्स लाएंगे जिससे उनको भी शिक्षा प्रदान की जाए। और इसीलिए इन्होंने क्या बताया, व्यस्क साक्षरता कार्यात्मक साक्षरता आनी चाहिए। हम कार्य क्या कर रहे हैं, हम कार्य क्या करें उसके बारे में भी तो हमें साक्षरता आनी चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा व्यस्क शिक्षा की बात इस नीति ने कही है, याद रहेगा आप लोगों को। और आगे देखिए क्या बताया गया, और स्वरोजगार के बेहतर अवसरों के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया है। हमें क्या करना है, हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इम्प्रूव करने के लिए यूथ्स को क्या करना है, ट्रेनिंग देनी है। यूथ्स को क्या करना है, ट्रेनिंग देनी है। क्यों? क्योंकि हम वेट ना करते रहे, हम वेट ना करते रहे कि गवर्नमेंट हमको नौकरी देगी तभी हम नौकरी में लगेंगे, हम सेल्फ एम्प्लॉयड बनेंगे, हम स्वरोजगार के बेहतर अवसर हम स्वयं पैदा करेंगे, हम स्वयं लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। हम केवल वेट नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट हमको जॉब देगी तभी हमको जॉब मिलेगी, नहीं, हम ऐसा बनेंगे कि हम स्वयं दूसरों को रोजगार दें, ना केवल हम अपने लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, हम ऐसा बनेंगे कि हम दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा सके। ये ना केवल शिक्षा नीति की बात है, क्या ये हमारे जीवन में भी लागू नहीं होती है? ये बिल्कुल हमारे जीवन में लागू होने वाले पहलू है कि हम कब तक वेट करते रहें कि सरकार हमें हमारे लिए कुछ करेगी, सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। तो इससे अच्छा हम क्या करें, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके हम बहुत पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन शिक्षा है हमारे पास, बिल्कुल है। क्या हम शिक्षा के माध्यम से क्या अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं? क्या बिल्कुल हम कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से, तो हम अपने उसी हथियार को आगे लेकर के चलेंगे और हम डेफिनेटली पाएंगे, हम वो सभी चीज़ें पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। केवल हमें उसके लिए क्या करना क्या है, हमें अपने पर सेल्फ कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है, जो कि अक्सर हमारे पास नहीं आता है, अक्सर हमें हमारे पास इसकी कमी होती है, हमें ना स्वयं पर विश्वास नहीं होता है। हम बोलते ज़रूर हैं कि हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हम ये कर लेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है जिसकी वजह से हम मार खा जाते हैं। तो उसके लिए हमारे लक्ष्य को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या ज़रूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आ जाइए अपने टॉपिक पे, क्या लिखा हुआ है उस पे ध्यान देंगे हम लोग कि ये इसने क्या बोला कि यूथ्स को हम क्या करेंगे, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव कर सके इसलिए हम यूथ्स को ट्रेन कर देंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है, दिस पॉलिसी ऑल्सो कवर एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इस नीति ने अल्पसंख्यकों के शैक्षिक हितों को भी शामिल किया है, याद रहेगा इसने हैंडीकैप पीपल्स दिव्यांगों की बात की, इसने हिंदी को प्रमोट करने की बात की, त्रिभाषा की बात की, इसने किसकी और बात की, यहाँ पे हम देख रहे जो माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक है उसकी बात की, फिर हमने देखा इसने प्रौढ़ शिक्षा की बात की, एडल्ट लिटरेसी की बात की, हमने देखा इसने न्यू यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप करने की बात की, फिर उसके बाद हमने देखा कि इसने पार्ट टाइम कोर्स को इंट्रोड्यूस कर दो उसकी बात की, फिर हमने और क्या देखा है, जो भी हमने ऊपर में देखा समथिंग मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ तो उसको आप लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमने इतनी चीज़ें तो देखी है ना,
हमने मुख्यतः ये सब तो देख लिया, ठीक है। तो बिल्कुल ये सब चीजें हमको याद करना है। ये तो केवल अभी अभी जस्ट हमको ये तो वीडियो देखते देखते इतनी सारी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। मेरा ये मानना है कि वीडियो देखते देखते आपको बहुत सारी चीजें, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल बहुत ध्यान से सुना करो, कुछ भी चीज सुनो बहुत ध्यान से सुनो। ये नहीं कि टाइम पास करने के लिए, क्या आप टाइम पास कर रहे हो, क्या टाइम पास नहीं कर रहे हो, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो उसको बहुत ध्यान से सुनो। क्या लिखा है फिर उसके बाद देखिए, टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक क्षमता। स्वतंत्र भारत में शिक्षकों की स्थिति पर भी ध्यान देने की जरूरत थी। क्या इंडिपेंडेंट इंडिया कंडीशन ऑफ द टीचर्स आल्सो नीडेड अटेंशन, कंडीशन ऑफ टीचर्स आल्सो नीडेड अटेंशन, शिक्षकों की स्थिति पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या नहीं है आवश्यकता? बिल्कुल है। इसीलिए बात बोली जाती है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, किसकी, ट्रेनिंग की आवश्यकता, और इसीलिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है। और देखिए ये क्यों इसने बताया है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आपको आपको याद है मुदलियार ने ये बात कही थी, मुदलियार ने ये कमी को बताया था, मुदलियार आयोग ने, कुठारी आयोग ने इस चीज को बताया है। फिर उसके बाद ये सभी, ये तो ये आयोग है, लेकिन नीति कौन सी है, तो 1968 वाली नीति है, तो क्या वो नहीं बोलेगी, क्या, बिल्कुल बोलेगी, ठीक है। आइए क्या लिखा है कि भारत में शिक्षा नीति ने शिक्षकों की स्थिति के उत्थान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और उनकी अकादमिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया, उनके पेशेवर क्षमता के लिए उनकी परिलब्धियों और सेवा शर्तों को अधिक महत्व दिया गया था, महत्व दिया गया। द एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया हाईलाइटेड द नीड टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ द टीचर्स, प्रमोटेड एकेडमिक फ्रीडम, उनको फ्रीडम तो दो, अकादमिक स्वतंत्रता तो दो, एकेडमिक फ्रीडम तो दो, अपने अकॉर्डिंग वो सिलेबस को डिवाइड कर पाए, वो कंप्लीट कर पाए, कैरिकुलम को वो डिवाइड करें, कंप्लीट करें, उसमें उसमें उनकी भागीदारी होनी चाहिए। कि एकेडमिक फ्रीडम ही नहीं है, आप उनको दबा के रखे हो टीचर्स को कि वो अपनी मर्जी से पढ़ा नहीं पा रहे, तो इसने क्या बोला, आप उनको एकेडमिक फ्रीडम दो। फिर क्या बताया गया, फॉर देयर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस देयर इमोल्यूमेंट्स एंड सर्विस कंडीशन वर गिवन मोर इम्पोर्टेंस। क्यों बताया गया है, इसलिए बताया गया कि शिक्षा की सेवा, शिक्षकों की सेवा शर्तें क्या होनी चाहिए, इमोल्यूमेंट्स क्या होनी चाहिए, इनको क्या हम दे रहे, क्या परिलब्धियां, क्या भत्ते, क्या है इमोल्यूमेंट्स इनके, तो ये सभी बातों को इस शिक्षा नीति ने सम्मिलित किया है अपने आप में, ठीक है। फिर क्या, इसके अलावा नीति ने उनके प्रशिक्षण और शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया है, ठीक है, याद रहेगा। क्या है, उनके प्रशिक्षण और सेवा पर भी ध्यान केंद्रित किया, कि ट्रेनिंग की आवश्यकता है, एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन, हमेशा बताया गया कि शिक्षकों को अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षकों को अपने, जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, वो अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा, क्यों, क्योंकि हमेशा हमेशा अलग अलग वायरस आते हैं, तो डॉक्टर्स को अपने आप को अपडेट करने की आवश्यकता है। देन टीचर्स को अपने आप को अपडेट करने की आवश्यकता है, टीचर्स अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे कि हमें अभी डिमांड क्या है, तो टीचर्स को भी अपनी अपडेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए क्या बताया गया, ट्रेनिंग की आवश्यकता है। किसने बोला, तो इस शिक्षा नीति ने ये बात कही है, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे क्या बताया गया कि जो 1968 की शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन में कैसे मदद की है, नेशनल रीस्ट्रक्चरिंग में इसने कैसे मदद की, रीस्ट्रक्चरिंग में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की रीस्ट्रक्चरिंग में, भारतीय शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन में इसका योगदान क्या रहा है, उसे हम देखते हैं। क्या लिखा है, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा प्रणाली की एक नई संरचना तैयार की गई। क्या किया गया, एक नई संरचना तैयार की गई। यह वह समय था जब देश को 10+2+3 के रूप में एक समान स्कूली शिक्षा पैटर्न मिला था। बेसिस द रिकमेंडेशन ऑफ द एजुकेशन कमीशन, अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम वॉज डिजाइन। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री गॉट अ यूनिफॉर्म स्कूलिंग पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ 10+2+3। 10+2+3 के रूप में इसे क्या मिला है, एक पैटर्न मिला है। आगे क्या लिखा है देखिए, समझते हैं हम लोग। मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली के भीतर छात्रों को बनाए रखने के दूरदर्शी विचार ने हमारी प्रणाली के पुनर्गठन में मदद की थी। द विजनरी आइडिया ऑफ रिटेनिंग स्टूडेंट्स विद इन द मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम डिड हेल्प इन रिस्ट्रक्चरिंग अवर सिस्टम। इसने क्या बोला, हम शिक्षा केवल देंगे नहीं, बच्चे उसको हम पूर्णता की बात की गई है, पूर्णता की बात की गई, यानी कि उसने क्या बात की कर दी गई थी, समान शैक्षिक अवसर,
समान शैक्षिक अवसर, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी, निर्बाध होगा, यानी कि किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होना चाहिए। तो बस वहीं से हमें समझ में आ जाना चाहिए, क्या समझ में आ जाना चाहिए कि इस शिक्षा नीति ने इसी के माध्यम से जब इन्होंने बोला कि हम किस तरीके से पुनर्गठन कर सकते हैं, तो हर किसी को सम्मिलित करके पुनर्गठन कर सकते हैं। तो भीतर छात्रों को बनाए रखने के दूरदर्शी विचार से इन्होंने पुनर्गठन में मदद की। इसके अलावा इसने पूरे देश में समग्र बुनियादी ढांचे और शैक्षिक अवसरों में सुधार करने में भी मदद की। Besides, it also helped in improving the overall infrastructure and education opportunities across the nation. यानी कि बुनियादी ढांचा और शैक्षिक अवसर में सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। फिर और क्या बताया जा रहा है, लेकिन इसने तो बहुत अच्छी अच्छी बात की, दिखाई तो ये दे रहा है इसने बहुत अच्छी अच्छी बात की, इसका मतलब ये लागू हो गई क्या? इसका मतलब क्या ये लागू हुई? तो नहीं। Despite the futuristic aims of the NP 1963, it did lack in materializing the goals of universal education for all. NP 1963 ने के भविष्य के लक्ष्यों के बावजूद इसमें सभी के लिए सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्यों को साकार करने की कमी थी। इसने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छा लगा, आपने बताया हमें बहुत अच्छा लगा, अब ये भी तो बताइए करें कैसे? तो करें कैसे इसने नहीं बताया, इसने लाइन्स बहुत अच्छी अच्छी लिखी कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, करें कैसे? आपने बोला कि सभी को सम्मिलित कर लो, दिव्यांगों को सम्मिलित करो, हिंदी को सम्मिलित करो, फिर आपने बहुत सारी बातें की, माइनॉरिटीज को सम्मिलित कर दो, बालिकाओं की शिक्षा की बात की आपने, बहुत एडल्ट एजुकेशन की बात की है आपने, बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, लेकिन ये भी तो बताइए कैसे किया जाए, किया कैसे जाए? तो इसने ये नहीं बताया कि उसको वास्तविक रूप में उसको साकार कैसे करें। आपने बताया बहुत अच्छा, करें कैसे ये भी बता देते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये नहीं बता पाएगी। क्या है, NP 1968 was certainly successful in creating structure of the nation's education system. निश्चित रूप से राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली के लिए एक संरचना बनाने में यह सफल रहा है। बाकी चीज तो क्रियान्वित नहीं कर पाया, लेकिन एक शिक्षा प्रणाली का एक संरचना, एक ढांचा तो बना दिया। However, it did not succeed in bringing about the change that was expected to. हालांकि यह उस बदलाव को लाने में सफल नहीं हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी। बदलाव लाना चाहते थे हम, राष्ट्रीय एकता लाना चाहते, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता हम लाना चाहते, लेकिन इस शिक्षा नीति ने नहीं ला पाए। फाइनल थॉट्स क्या थे, अंतिम विचार क्या थे इसके? तो अंतिम विचार थे इसके कि देश के भीतर शिक्षा के मानकीकरण को एक नई दिशा दी। इसने क्या किया, इट्स गेव अ न्यू डायरेक्शन टू स्टैंडर्डाइज एजुकेशन विद इन द कंट्री, कि किस तरीके से शिक्षा होनी चाहिए। एटलीस्ट इसने बताया, तो इससे पहले तो किसी ने बताया ही नहीं, कोई शिक्षा नीति आई नहीं, इसने बताया। फिर इट वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर, इट वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, तो 10+2+3 का स्ट्रक्चर, एंड प्रमोटेड द यूज ऑफ मदर टंग एज वेल। इसने 10+2+3 की संरचना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ ही मातृभाषा के उपयोग को भी बढ़ावा दिया। मातृभाषा याद करो, इसने क्या बोला, त्रिभाषा निकल के आया ना, त्रिभाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, बस तो वहां से क्या है, हिंदी इंग्लिश तो ठीक है लेकिन मातृभाषा भी रहनी चाहिए, तो इसने किया। इसने और किसमें भूमिका निभाई, तो 10+2+3, क्या हम ये पढ़ के आए हैं क्या? बिल्कुल, हमने तो पढ़ा है, 10वीं तक पढ़े, फिर 11वीं 12वीं पढ़े, 3 साल की ग्रेजुएशन, तो 10+2+3 का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है इसमें, आगे ये बताया जा रहा है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के इतिहास में अगला बड़ा कदम कब आया, तो अगला बड़ा कदम अब आएगा 1986 में, भारत में अगली शिक्षा नीति के रूप में आएगा। द नेक्स्ट बिग स्टेप इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम केम इन द 1986 विद द नेक्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है। हमने क्या देखा, 1968 को देखा, हम एंड कहाँ पे कर रहे हैं, तो 1986 अब आने वाली, इसका मतलब हमारा नेक्स्ट सेशन किस पे होने वाला है, तो 1986 की शिक्षा नीति। हमको आज सीखने को क्या मिला, हमको सीखने को ये मिला कि 1968 की शिक्षा नीति हमारे देश की पहली शिक्षा नीति तो थी, लेकिन हमारे देश में यह लागू नहीं हुई। आई तो बहुत अच्छी अच्छी बात इसने बताई, लेकिन इसने बताया नहीं कि करें कैसे, और यही इसकी कमी के रूप में उभर करके आई। जब कमी के रूप में उभर करके आई तो मटेरियलाइज नहीं कर पाए, जब मटेरियलाइज नहीं कर पाए
तो निकल करके कुछ परिणाम भी तो निकले होंगे। तो परिणाम ये निकला कि यह शिक्षा नीति लागू नहीं हो पाई है हमारे देश में, और जब दूसरी शिक्षा नीति आएगी तो कब आएगी, तो 1986 की शिक्षा नीति आएगी। वो क्या है, कैसी है, उसको हम अपनी नेक्स्ट सेशन में इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। फिर तो हम आज के सेशन को फिर यहीं पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।